नमस्ते छात्रों, मैं जीवन कविता शर्मा, फैकल्टी फाइव विधिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, हमने अभी तक स्नान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। शुक्रवद भाषणम कुर्यात वक्वद वक्वद्यान माचरे अज वर्चवर्णम कुर्यात जगवत्सना माचरे। स्नान की विधि, तोते के समान भाषण करें, बगुले के साथ की तरह ध्यान करें, बकरी के समान तेज चवण यानी खाए, हाथी के समान मस्ती से स्नान करें। गजवत स्नानम, हाथी स्नान के लिए बहुत ही गहरा और पानी होता है। उसी तरीके से गुणादशनान शीलम भजन्ते वलम रूपम स्वर वर्ण प्रशुद्धि स्पर्शश्च गंधश्च विशुद्धता स च श्री शोकमार्य प्रवराश्च नार्य। स्नान को नित्य प्रति स्नान करने वाले को बल रूप स्वर वर्ण की शुद्धता स्पर्श और गंध को शरीर स्वच्छता मुख श्री तारुण्य और सुंदर स्त्रियां ये 10 लाभ होते हैं। स्नानम नाम मन प्रसाद जनम दुख स्वन विध्वंसनम सोच सत्नम मलापरहरणम सव संवर्धनम तेजस रूपदोत्करम ऋतु प्रमथनम कामाग्नि संदीपनम नीराणाम च मनोहरम शम हरम स्नाने दशते गुणा। स्नान मन में प्रसन्नता उत्पादक दुख स्वप्नाशक पवित्रता का अधिष्ठान है। अपवित्रता का अपहारक तेजवर्धक रूपवर्धक शत्रुनाशक कामाग्नि दीपक स्त्रियों का मन हरण करने वाला थकावट दूर करने वाला होता है। स्नान के 10 गुण होते हैं। न स्नान माचरेत भुक्तवा नातुरो न मानिषी न वासो भी सहा जत्रम न विज्ञाते जलाशय। भोजन करने पर रोग पीड़ित होने पर मध्य रात्रि में वस्तु बहुत वस्त्र पहनकर अज्ञात जल में स्नान नहीं करना चाहिए। भोजनांतरों स्नान करने से अन्न पचन ठीक नहीं होता है। अशीर ब्रह्मकम भवेत स्नानम स्नान शक्तौ तु कर्मिणाम आद्रेण वासासा वा स्यान मार्जनम देयिकम विदु। रोगियों के स्नान करने में असमर्थता हो तब सिर छोड़कर नीचे स्नान करें तथा गीले कपड़े से शरीर को पोंछे। अशक्तौ वारुणे स्नाने आग्ने माचरे जलाशय करने से अर्थात जल स्नान करने में असमर्थ होने पर आग्ने आदि अन्य स्नान करने चाहिए। धन्यवाद।